नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए सितंबर 7 का खास पाठ। आप सभी को 10 दिनों तक उत्साह और खुशी के साथ मनाए जाने वाले सबसे भव्य त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु गणेश चतुर्थी को मनाने के पीछे विभिन्न कथाएं और कारण हैं। जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन से ही व्यास जी ने बोलना और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। बिना रुके यह कार्य 10 दिनों तक चलता रहा। 10 दिन के बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में जाकर स्नान किया, तभी से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ और भी दिलचस्प तथ्य हैं, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे गणेश चतुर्थी सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में मनाई गई। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लोगों को एक साथ लाने के लिए गणेश चतुर्थी को बड़े उत्साह के साथ मनाना आरंभ किया। सार्वजनिक गणेश चतुर्थी का उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शुरू किया। 1893 तक गणेश चतुर्थी सिर्फ घरों में मनाई जाती थी। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए इस त्योहार को एक भव्य सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का सबसे लंबा विसर्जन जुलूस मुंबई के लाल बागचा राजा में निकाला जाता है। 1935 में लाल बागचा राजा की स्थापना पहली बार मछुआरों द्वारा की गई थी। लाल बागचा राजा भारत में सबसे भव्य गणपति विसर्जन का आयोजन करता है, जिसका जुलूस सुबह 10 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक देखा जा सकता है। भारत के अलावा नेपाल, थाईलैंड, चीन, कंबोडिया, जापान और अफगानिस्तान में भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन हर क्षेत्र के अनुसार गणेश जी का चित्रण, अवतार और मूर्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। और अंत में, क्या आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी के दौरान चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है, उसके अनुसार एक बार जब गणेश भगवान कुबेर के महल से दावत करके लौट रहे थे, तब वे मूषक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। भगवान गणेश को अपने बड़े पेट के साथ खुद को संभालते हुए देखकर चंद्रमा ने उनके स्वरूप पर हंसना शुरू किया। गणेश जी को चंद्रमा की हंसी पर क्रोध आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिसके अनुसार जो कोई भी चंद्रमा को देखेगा, उसे निराधार आरोपों और उपहास का सामना करना पड़ेगा। तब चंद्रमा ने गणेश जी से माफी मांगकर श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। गणेश जी, जो वैसे भी अपने दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, अंततः मान गए और श्राप की अवधि को घटाकर एक दिन यानी सिर्फ गणेश चतुर्थी ही कर दिया। यह कहानी हिंदू संस्कृति में विनम्रता और सम्मान के महत्व को भी रेखांकित करती है।